आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी अपने एलईडी बल्ब के ड्राइवर के कंपोनेंटों को चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, आप इसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये एक ड्राइवर है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये रेजिस्टेंस लगाए, इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। और इसको चेक करना, हम उसके लिए मल्टीमीटर का यूज करेंगे। ये मैं आज आपको चलाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो अगर आपको सीखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से सीख सकते हैं उस वीडियो से। सबसे पहले हम जो पॉइंटर है इसको यहाँ कंटिन्यूटी वाले सेक्शन में रख देंगे। ये देखिए, कई लोग इसको बजर वाला सेक्शन भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको कंटिन्यूटी वाला सेक्शन कहता हूँ। तो इसमें रख के किसी भी चीज़ को, आप किसी भी इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये काम कर रहा है। इस प्रकार से आप अपने इक्विपमेंटों को चेक करेंगे इसके। तो हम शुरू करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें आईसी भी लगी होती है, ये वाली इसकी आईसी है। ये देखिए, ये आईसी है और ये एसएमडी आईसी होगी, और ये इसके रेजिस्टेंस है, एसएमडी रेजिस्टेंस है। ये देखिए, तो हम इस साइड बहुत कम फॉल्ट आता है इसमें, क्योंकि यहाँ आईसी वाईसी है तो कम ही फॉल्ट आता है। ज़्यादा फॉल्ट हमारे इसी में आते हैं, ये जो हमारे इक्विपमेंट लगे हैं इन्हीं में फॉल्ट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को अपने चेक कर लेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस सही वर्क कर रहा है। ये देखिए, रेजिस्टेंस में आपको एक बीप का साउंड सुनाएगा ये। तो अगर आपको बीप का साउंड सुनाएगा तो आप समझ जाइए हमारा रेजिस्टेंस ठीक है। ये देखिए, हमारा पहला रेजिस्टेंस चेक हो चुका है, ये तो ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इसी प्रकार से हम इसमें दूसरा रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। ये देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे ठीक हैं। ये हमारा एमओवी होता है, इसको भी चेक करा जाएगा कि कहीं इसके अंदर तो फॉल्ट नहीं है। इसको चेक करने के लिए जब हम इसके दोनों सिरों पर मल्टीमीटर की प्रोब से लगाएंगे तो ये बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए। अगर इसने आपको बीप की आवाज़ दे दी तो आपका जो हमारा एमओवी है वो ख़राब हो चुका है। तो आप इस तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ लगे हैं ये पीएफ, हम ये हर इक्विपमेंट को चेक करके आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एमओवी को चेक करते हैं कि कहीं इसमें तो फॉल्ट नहीं है। ये देखिए, ये हमारा एमओवी है, इसकी दोनों सिरों पे हम मल्टीमीटर की प्रोब से लगाएंगे। अगर इसने बीप दी तो आप ये माने कि ये ख़राब हो चुका है। ये देखिए, ये हमें बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा ये सेट अभी बढ़िया है, एमओवी हमारा ठीक है। अब बारी आती है ये पीएफ की, तो इसी प्रकार हम पीएफ को भी चेक करेंगे। पीएफ और एमओवी लगभग सेम ही जैसे टेस्ट किया जाता है कि ये बीप की साउंड नहीं देनी चाहिए इनने। अगर ये बीप की साउंड देते हैं तो ये हमारे 100% ख़राब हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम सेकिन पीएफ भी चेक करेंगे। ये देखिए, ये सेकिन पीएफ की टर्मिनल है। ये देखिए, ये हमारे दोनों पीएफ सही हैं, हमारा एमओवी भी सही है, रेजिस्टेंस भी सही है। अब बारी आती है ये कॉयल की, हमारी आती है ये जो है, ये इंडक्टर कॉयल है। तो ये इंडक्टर कॉयल बनी है, इसके अंदर कॉपर की वायर लपेटी गई होती है, तो इस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो इसको हम टेस्ट करके देखेंगे, इस इंडक्टर कॉयल को चेक करेंगे। तो ये एक साउंड, बीप की साउंड देना चाहिए। अगर ये बीप की साउंड नहीं देगा तो हमारा ये ख़राब होगा इंडक्टर कॉयल। तो
इस बात का आप ध्यान रखें कि मैं कौन से इक्विपमेंट के लिए क्या कह रहा हूँ कि ये बीप देगा ये बीप नहीं देगा, तो इस बात का आप क्लियर ध्यान रखें, तब आपको ये जानकारी का कोई फ़ायदा होगा। तो चलिए ये इंडक्टर कॉइल को चेक किया जाएगा। ये देखिए ये बीप की साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे इंडक्टर कॉइल भी ठीक है। तो अब हम आते हैं कैपेसिटर में, कैपेसिटर में भी यही होगा, इसको हम चेक करेंगे तो हमें बीप की साउंड नहीं देना चाहिए। अगर बीप की साउंड देगा तो ये भी हमारा ख़राब होगा। कैपेसिटर को चेक करते हैं, इसमें पॉजिटिव निगेटिव वाला सीन होता है, तो आप ध्यान से करें। ये देखिए ये हमें बीप की साउंड नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर भी सही है। ये देखिए हमारा कैपेसिटर भी सही है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर में, इसी प्रकार से हम इस वाले कैपेसिटर को भी चेक करेंगे कहीं इसमें तो फॉल्ट नहीं है। देखिए ये बीप का साउंड नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा ये वाला कैपेसिटर भी ठीक है। ये देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो अब हम आते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम चेक करेंगे, ये भी हमें बीप की आवाज़ देगा तब हमारा ये ठीक होगा। अगर इसने बीप की आवाज़ नहीं दी तो ये ख़राब होगा। तो ये तीन टांग होती हैं इसमें, तो हम तीनों टांग में लगा के देखेंगे, अगर बीप का साउंड आया तो हमारा ट्रांसफार्मर ठीक होगा, अगर बीप का साउंड नहीं आया तो ये हमारा गलत होगा, ख़राब हो जाएगा, तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये इसकी एक टांग है, ये देखिए ये उसकी, ये हमारे जो ट्रांसफार्मर है इसकी दूसरी टांग है यहाँ पर को, तो आप ऐसे लगाइए। ये देखिए आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी, तो यही है। ये देखिए इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर भी ओके है। तो इस प्रकार आप इनके ड्राइवर के इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं। और जो ये कैपेसिटर होता है, कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीमीटर नहीं होता है, तो हम बिना मल्टीमीटर के भी इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको ऊपर की साइड से देखिए, अगर ये इसकी तीन पार्ट हैं, अगर एक भी पार्ट इसका उठा हुआ होता है तो आपका कैपेसिटर डैमेज होगा या ऊपर से कहीं से लीकेज हो जाएगा। तो मल्टीमीटर में कई बार इसको सही दिखाता है वो कि ये ठीक है आपका, और ये ख़राब हो चुका होता है, तो कैपेसिटर का पता आप ऐसे भी लगा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।